गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज़ विशाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेशंस सो गई आज के सेशन में बहुत छोटा सेशन होने वाला है जिसमें हम चार से पॉइंट डेफिनेशन को कवर करेंगे जिसमें डिफ्यूजन इनोवेशन इन्वेंशन सोशल सिस्टम अडॉपसन एंड रिजेक्शन को कवर करेंगे इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन द प्रोसेस इन विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमंग मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम तो डिफ्यूजन की डायरेक्ट डेफिनेशन है कि ये प्रोसेस है जिसमें इनोवेशन हो इनोवेशन को कम्युनिकेट किया जाता है वेरियस चैनल से एक लिमिटेड टाइम बेसिस पे और सोशल सिस्टम में यानी एज ए सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल होते हैं उन तक इसके फोर एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन होता है देन कम्युनिकेशन चैनल होता है दैन टाइम होता है दैन सोशल सिस्टम होता है इसमें पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है तो उसका टाइम होता है दैन स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट डील विद एन इनोवेशन तो ये स्पेशल टाइप का

परसीव्ड किया जाता है न्यू प्रेजेंट किया जाता है किसी भी पर्सन या सोशल सिस्टम द्वारा उसे इनोवेशन बोलते हैं इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिवली न्यू मतलब ऑब्जेक्टिवली ये न्यू नहीं होता बस उसमें न्यूनेस क्रिएट करके प्रेजेंट कर दिया जाता है प्रिवेंटिव इनोवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट डेट ए पर्सन सोशल सिस्टम अडॉप्ट टू लोवर द प्रोबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अनवॉन्टेड इवेंट इन फ्यूचर तो प्रिवेंटिव इनोवेशन होता है कि जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को देख पहले ही अडॉप्ट कर लिया जाता है इसीलिए प्रिवेंटिव इनोवेशन जो है इनोवेशन रिस्क फेलियर को कंट्रोल करता है देन दे हैव लो अडॉप्शन तो ये लो अडॉप्शन होता है जो ड्यू टू लो ऑब्जर्वेबिलिटी के रीजन के कारण देन इन्वेंशन द प्रोसेस दैट लीड्स आर रिजल्ट इन क्रिएशन आर डिस्कवरी ऑफ समथिंग न्यू तो इन्वेंशन होता है प्रोसेस होता है जो लीड करता है रिजल्ट देता है और क्रिएशन करता है किसी भी कमोडिटी का न्यू डिस्कवरी करते हैं हम लोग किसी भी मतलब वस्तु का देन दिस इज़ ऑब्जेक्टिवली न्यू तो ये ओवरऑल न्यू होता है मतलब न्यू कोई नई चीज़ ही बनाना होता है देन इट इज़ न्यू फॉर एवरीमैन और ये सोसाइटी के लिए न्यू होता है री इन्वेंशन इज द एक्सटेंड टू विच एन इनोवेशन इज मॉडिफाइड बाई द यूजर एट द टाइम ऑफ अडोप्शन तो री इन्वेसन होता है जो कि अडोप्टर के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है अगर बेटर भी आ जाता है उस इनोवेशन का उस टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लेक्स इनोवेशन अंडरगो ग्रेटर री इन्वेसन तो कॉम्प्लेक्स इनोवेशन होता है वो री इनोवेशन के थ्रू अंडर गो होता है देन सोशल सिस्टम सोशल सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट यूजुअली इन्वॉल्व इन एक्म्पलिसमेंट ऑफ कॉमन गोल तो सोशल सिस्टम है जिसमें सेट होता है इंटर रिलेटेड जो कि एक कि कॉमन थाट वाले होते हैं उनके पर्सन के वो और वो इन्वॉल्व होते हैं एक कॉमन गोल में चेंज इन वन यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट अदर यूनिट तो एक चीज में आप अगर वन यूनिट में आप चेंज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली सेकेंड यूनिट में भी चेंज हो रहा है दैन सोशल सिस्टम हैव ए स्ट्रक्चर विट डिटरमाइंस हाउ इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड तो सोशल सिस्टम जो होता है वो वेल स्ट्रक्चर होता है उसको आप डिटरमाइन कर, कर सकते हैं कि इनोवेशन कैसे कम्युनिकेट हो रहा है मतलब उसका लेवल चेक कर सकते हैं इट मे बी प्रमोट हाइडर द डिफिजन प्रोसेस तो ये प्रमोट करता है या हाइड करता है डिफीजन प्रोसेस को देन अडोप्शन अडोप्शन इज द डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन तो डिसीजन है जिसमें हम लोग फुल यूज करते हैं इनोवेशन का द डिसीजन कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट तो डिसीजन कैन मतलब किसी भी पॉइंट पे चेंज हो सकता है द डिसीजन कैन बी टेक एट वेरियस लेवल तो डिसीजन वेरियस लेवल पे लेना पड़ता है ओवर अडोप्शन इज द अडोप्शन ऑफ एन इनोवेशन बाई ए पर्सन ग्रुप बैन एक्सपर्ट फील दैट इट शुड बी रिजेक्टेड तो ओवर अडोप्शन होता है जो कि इनोवेशन किसी भी पर्सन या ग्रुप द्वारा मैक्सिमम उसको ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया जाता है और एक्सपर्ट फील करते हैं ज़्यादा अडॉप्ट हो गया जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सरिंकिंग हो गया वो लो फिट मतलब ली लो लेंथ पे हम सरिंकिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है जब एक्सपर्ट फील करता है फर्टिलाइजर का मैक्सिमम अमाउंट में यूज हो गया पेस्टिसाइड का तो ये सब ओवर अडोपसन है ना रिजेक्शन रिजेक्शन इन द डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन तो रिजेक्शन डिसीजन है जिसमें हम लोग एन इनोवेशन मतलब एक किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते डिसकन्टिन्यूएंस इज आल्सो टाइप ऑफ रिजेक्शन तो डिसकन्टिन्यूंस होता है कि जिसमें हम जो प्रीवियस अडॉप्ट है उसको छोड़कर दूसरे को अडॉप्ट कर लें उसी को रि डिस्यूंस बोलते हैं और ये रिजेक्शन का ही फॉर्म है बट अगर आफ्टर अडॉप्शन है टेकन प्लेस तो ये अडॉप्शन के बाद होता है मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है तो रिजेक्शन होता है वो एक्टिव रिजेक्शन होता है पैसिव रिजेक्शन होता है एक्टिव में होता है कि हम फर्स्ट पे ही अडॉप्ट ना करें मतलब टेक्नोलॉजी एनालिसिस की, नहीं की। पैसे में करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दे उसे पैसे बोलते हैं सो गाइज आज का ये छोटा सा सेशन एंड हुआ जिसमें हम लोगों ने रिजेक्शन को देखा उसके टाइप को देखा एडॉप्शन को देखा ओवर एडॉप्शन देखा सोशल सिस्टम को देखा इन्वेंशन देखा रिवेंसन देखा इनोवेशन देखा इनोवेशन देखा डिफ्यूजन देखा इंपॉर्टेंट टर्म सो गाइज ये इन टर्म है डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन प्लीजे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग